सॉल्व करेंगे, आपको हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड इज फॉर्मड बाय द एलिमेंट ए एंड बी, दिस क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक स्ट्रक्चर व्हेन आइटम ए आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड आइटम बी आर द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ऑप्शन है ए ए बी, ए बी टू, ए टू बी, ए बी फोर। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पे बताया है कि इस चार ऑप्शन में से आंसर कौन सा होगा हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ए है ये क्यूब के हर कॉर्नर पे लगा हुआ है, तो देख सकते हैं क्यूब बनाया हमने और ये क्यूब के हर कॉर्नर पे आपको क्या मिलेगी, ए मिलेगी। क्वेश्चन मेंशन किया इसलिए मैंने आपको बताया, मतलब कॉर्नर पे सब ए रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो बी है वो क्यूब के बॉडी के अंदर है, मतलब ये मैंने हाईलाइट किया है कि क्या है, क्यूब के अंदर मैंने दिखाया है बी को। अब देख सकते हैं हमारे सबसे कौन सा फॉर्मूला डिराइव होगा। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको जेड ए से बात करेंगे, जेड ए की बात करेंगे, जेड ए इज इक्वल टू 1/8। देखो 1/8 आया कैसे, हमेशा ये जो क्यूब दिख रहा है इस क्यूब का जो कॉर्नर है वो एक कॉर्नर एक मिनट से 1/8 का पार्टिसिपेशन रखता है। तो याद रखिए हर यूनिट से यहाँ पे 1/8 का पार्टिसिपेशन रखता है, तो इसलिए मैंने 1/8 लिखा है। और टोटल कॉर्नर कितने बच्चों, देखो टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 कॉर्नर, इसलिए 8 आ गया यहाँ पे, तो ये 8 हुआ आंसर। तो याद रखिए आपका जो ए है ए इक्वल टू 1 ग्राम। अगर हम बी की बात करते हैं जेड बी, तो देखिए हमारा जो सेंटर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो किसी के साथ पार्टिसिपेशन नहीं, वो बॉडी में एज इट इज है, तो किसी के साथ पार्टिसिपेशन है तो एज इट है, मतलब उसका आंसर क्या है 1। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, आपको ए और बी मिलेगा, मतलब यहाँ पे ए 1 है और बी 1 है, मतलब ऑप्शन नंबर आंसर क्या रहेगा ए बी। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, मिलते हैं।